हेलो एंड वेलकम टू चाणक्य IAS एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं NFT के बारे में। NFT हाल ही में क्यों चर्चा में था? क्योंकि ट्विटर ने अपने यूजर्स को उनके डिजिटल असेट्स जैसे कि NFT को अपने अकाउंट से लिंक करने की अनुमति दे दी है। इसमें होगा क्या कि यदि आपके पास आपकी एक NFT है तो आप उसको JPEG फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर की तरह उपयोग कर सकेंगे। अभी तक इसमें क्या परेशानी थी कि यदि आप NFT को अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगाते हैं तो कोई भी यूज़र उसको डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकता था, तो ऐसे में इस बात का क्या प्रमाण होता कि इनमें से कौन सी ऑथेंटिक है। इस समस्या से निपटने के लिए ट्विटर ने अब एक नई सुविधा दी है। उस सुविधा में ट्विटर के यूज़र्स को जो अपनी NFT अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगाएंगे उस प्रोफाइल पिक्चर पर एक हेक्सागोनल शेप में मास्क मिलेगा, जो मास्क यह बताएगा कि यह ऑथेंटिक NFT है। और यदि कोई दूसरा यूज़र उसको डाउनलोड करता है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेता है तो उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी और यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह NFT फेक है। चलिए तो अब बात करते हैं NFTs मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स की। तो नॉन फंजिबल टोकन्स ये ऐसे आइटम्स हैं जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से खरीदा या बेचा जा सकता है। ये इनकी अपनी एक यूनिक ID होती है और मेटा डेटा होता है। इनको रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता, अर्थात एक जैसा बना है वैसा ही दूसरा नहीं बनेगा। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान होगी। अब यह जान लेते हैं कि किन वस्तुओं को NFT के रूप में बदला जा सकता है, NFT के रूप में खरीदा या बेचा जा सकता है। इनमें डिजिटल आर्ट, म्यूज़िक, यहाँ तक कि शॉर्ट वीडियोज़ भी शामिल रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हाल ही में ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने अपने पहले ट्वीट को NFT के रूप में बेचा था, जिसकी बाजार में कीमत $2.5 मिलियन थी, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी डिजिटल आर्ट को खरीदने के हिसाब से। परंतु यहाँ हमें याद रखना होगा कि NFTs की कीमत इससे भी ज़्यादा लगाई जा रही है और बाज़ार में इनकी मांग भी बढ़ रही है। अब यहाँ हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की तो ज़रूरी हो जाता है कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही बात कर लें। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित होती है और NFT भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित है। तो क्या ये दोनों समान है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक फंजिबल आइटम है। उसको उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो एक बिटकॉइन को दूसरे बिटकॉइन से बदला जा सकता है, अर्थात यदि आपने मुझे एक बिटकॉइन दिया है तो मैं आपको एक बिटकॉइन रिटर्न कर सकता हूं और हमारे बीच का ये व्यापार समाप्त माना जाएगा, अर्थात वो दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जबकि NFT नॉन फंजिबल है। तो यहाँ यह हमेशा याद रख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी फंजिबल गुड्स है और NFT नॉन फंजिबल गुड्स है। तो आज हमने समझा कि ट्विटर ने अपनी प्रोफाइल में क्या परिवर्तन किए हैं और इसी के माध्यम से हमने जाना कि NFT क्या होता है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नई जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.